क्षेत्रीय मौसम विभाग ने मॉनसून की शुरुआत से कुछ दिन पहले इस साल विदर्भ में औसतन 106% बारिश का अनुमान जताया था। हालांकि इस साल मॉनसून सीजन की जुलाई और अगस्त में सूखे की वजह से विदर्भ में औसत बारिश घटकर 14% रह गई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कल से नागपुर और विदर्भ में बारिश की वापसी की भविष्यवाणी की है। सितंबर में अच्छी बारिश की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बारिश मौसम के बदलते मिजाज का संकेत है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन साहू के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव की पेटी बन गई है, इसलिए 5, 6 और 7 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मानसून की जो इस वर्ष जो है शुरुआत जल्दी हुई थी विदर्भ में और जून के महीने में प्लस में था बारिश, लेकिन जुलाई और अगस्त में जितनी आशा की जा रही थी उतनी बारिश नहीं हुई, क्योंकि शुरू के जो पहले 2 सप्ताह थे उसमें बारिश बहुत कम हुआ था, बाद में काफी रिकवर हुआ है। लेकिन अगर हम अभी टोटल देखें जो अगस्त के महीने तक जो खत्म हुआ है उसमें विदर्भ में जो है मानसून हालांकि सामान्य के रेंज में है, जो हम प्लस माइनस 19% को सामान्य मानते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में है, -14% है, 14% माइनस में है विदर्भ। और विदर्भ के जिलेवार स्थिति देखें तो 3 जिले हैं जहां पे बारिश जो है थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो सितंबर में अगर अच्छी बारिश होती है तो रिकवर कर सकती है, जिसमें सबसे कम जो है अमरावती जिला है जहाँ पे -28% है, उसके बाद में गढ़चिरौली में -25% और गोंदिया में -24% है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।